चलिए फ्रेंड्स, आज दादा देव जाना है। हर महीने जाते हैं तो बस दीदी का वेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद दादा देव जाती हूँ तो दादा देव महाराज जी के दर्शन करेंगे। हर महीने इंतजार रहता है दादा देव जाने के लिए। वैसे रोज भी जा सकते हैं लेकिन बस अभी फिलहाल हम महीने ही जा रहे हैं, तो आप भी तैयार हैं ना दर्शन के लिए? तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग कैसे हैं? मौसम गर्मी आने वाली है क्योंकि, और लंच वगैरह मैंने सब बना दिया। लंच में बनाया राजमा चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा वेट है, उनके आते ही हम लोग चल देंगे। नहीं, मैं नहीं पीती चाय। कन्नू बना रहा है चाय अपने लिए। कन्नू कैची आई है बेटे, ये रखी। भगवान जी को भोग लगाओ बेटा। चलिए फ्रेंड्स, दादा देव महाराज जी के दर्शन कर आए थे हम लोग। आज मैंने सवेरे ज्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि ये अर्पित बहुत ड्रामेबाजी करता है खाने में, तो बस मैंने राजमा चावल बनाए थे और सवेरे मैंने मसाले वाले पराठे बनाए थे। चाय के संग अच्छे लगते हैं। मसालों में क्या, नमक मिर्च हींग जीरा सब कुछ ऐड करके अच्छे लगते हैं ये। और दोपहर को बस राजमा चावल। तो फ्रेंड्स वहाँ पे गई, पता नहीं क्या हो रहा है दादा देव महाराज जी में, काफ़ी ज़्यादा काम सच मतलब हो रहा है, मतलब कुछ बन रहा है, टूट फूट हो रही है। तो आज हम लोग गए थे तो कोई जना अपनी गाड़ी लेके आया था पूजा के लिए। कहते हैं ना कि जब भी कोई नई चीज़ लाओ तो मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, पूजा करानी चाहिए पंडित जी से, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए कुछ लोग आए हुए थे, और वैसे भी घर में कोई नई चीज आती तो पहले ही बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद तो सबसे पहले। और दादा देव महाराज जी तो मतलब ऐसे कि यहाँ मकान भी बन रहा है तो उनकी उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई भी नई चीज आती है क्योंकि ये हमारे ग्राम देवता है तो इसलिए उनकी कुछ मान्यता ज्यादा है और उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो में कुछ ज्यादा आप लोगों को, हाँ बस क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको दादा देव महाराज जी के दर्शन कराए। और उसके बाद मैंने सुबह जब राजमा चावल बनाए थे तो लाइट पता नहीं क्या हो रहा था, आ रही थी जा रही थी, तो जल्दी बना लिए थे तो मैंने खुद ही जल्दी जल्दी कर लिया था, तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। राजमा चावल तो बनाती रहती हूँ, फिर बनाऊंगी तो दिखा दूंगी। तो फिलहाल चलिए फ्रेंड्स, मैं टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और मैं अपने ब्लॉग का एंड करने के लिए आ गई हूँ। और जाने से पहले वही फ्रेंड्स, प्लीज फ्रेंड मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और उसके बाद कमेंट शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज मेरे वीडियो को जितना हो सकता है उतना लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना एक नाम चाहती हूँ और ये आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता। तो प्लीज फ्रेंड मुझे अपना पूरा साथ दीजिए, अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए और मुझे यहाँ तक लाए हो, आगे भी आप ही पहुंचा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, प्लीज मेरे फ्रेंड्स ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर जरूर कीजिए। कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक आप सबको मेरी, बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।